सो so, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स सो सबसे पहले टेस्ट आता है हमारा डायग्नोस्टिक टेस्ट इसमें क्या होता है हमें यह जानना होता है कि जो हमारा स्टूडेंट है या इंडिविजुअल है उसको कितना पता है इस टेस्ट के बारे में सो so, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है इट मेजर्स द नॉलेज एंड स्किल ऑफ द स्टूडेंट ये स्टूडेंट की नॉलेज और स्किल को जो है वो डायग्नोस्ट करता है चेक करता है इस स्टूडेंट को टेस्ट के बारे में कितना पता है कितनी नॉलेज है कितना नहीं पता है और जो गैप है उसको फिल करने की भी ड्यूटी है वो उस कोच की होती है इट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट स्ट्रेंथ इसमें हम स्टूडेंट की स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में पता लगाते हैं कि उनकी पास्ट में क्या क्या वीकनेसेस थी स्ट्रेंथ थी और उन पर काम किया जाता है उसको बेहतर बनाया जाता है सो डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल की नॉलेज को चेक करने के लिए किया जाता है कि उसको टेस्ट के बारे में कितनी नॉलेज है और इंस्ट्रक्टर उसे गाइड करता है कि, कि किस तरीके से वो इम्प्रूव कर सकता है अपनी स्ट्रेंथ को ले और किस तरीके से अपनी वीकनेस को रिमूव कर सकता है और इसी तरीके से उनकी जो प्रोग्रेस है वो देखी जाती है और बेटर बनाई जाती है सो नेक्स्ट टेस्ट है फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव टेस्ट। टेस्ट जो होते हैं वो रिपीटेटिव मैनर में होते हैं जैसे कि आपके एफेज होते हैं उसी तरीके से होता है सो so, इसमें क्या होता है स्टूडेंट को बार बार टेस्ट के बारे में चीजें समझाई जाती हैं और रिकॉल करवाया जाता है सो so, हम एक एग्जाम्पल ले, ले लेते हैं एक बैट्समैन है उस का जो है एक शॉट हमेशा गलत लगता है तो बार बार उसके कोच जो है उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं उसको रिकॉल करा रहे हैं ताकि वो चीज़ उसकी इम्प्रूव हो सके सो क्लियरली ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये तब तक आपको प्रैक्टिस कराई जाती है जब तक आप उसमें परफेक्ट नहीं हो जाते हैं सो फॉर्मेटिव टेस्ट जो है ये बार बार एक प्लेयर को करवाया जाता है ताकि वो उस कमी को दूर करके उसमें बेहतर हो सके सो नेक्स्ट टेस्ट इज बेंचमार्क टेस्ट इसमें जो स्टूडेंट है वो मास्टर हो चुका है उसको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ चुकी हैं एंड ही एंड शी इज़ आंसर एबल टू ऑल द क्वेश्चन विच एवर इज आस्क बाय दी कोच और दी इंस्ट्रक्टर अगर कोई भी इंसान उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा उस टॉपिक से रिलेटेड तो वो काफ़ी अच्छे से आंसर कर पा रहा है तो हम बोल सकते हैं कि उसने मास्टरी हासिल कर लिया है उस टॉपिक में सो so, बेसिकली इसमें जो भी इंस्ट्रक्टर या टीचर्स आपको सिखा आते हैं उनका टेस्ट लिया जाता है स्टूडेंट के थ्रू और स्टूडेंट से पूछा जाता है कि उन्हें कितना है और अगर स्टूडेंट प्रॉपरली आंसर कर रहा है, आंसरेबल है डेमो करके बहुत अच्छे से दिखा रहा है, तो हाँ वो बेंचमार्क टास्क टास्ट में काफी ज्यादा परफेक्ट हो चुका है और मास्टरी हासिल कर चुका है नेक्स्ट टेस्ट इज प्रोफिशेंसी टेस्ट सो बेसिकली इसमें चेक करा जाता है पीपल की एबिलिटी लैंग्वेज को लेके कि उनकी लैंग्वेज कितनी अच्छी है इसमें लैंग्वेज ट्रेनिंग दी जाती है कि वो जो इंसान है वो प्रोफिशेंट हो चुका है लैंग्वेज में या नहीं नेक्स्ट टेस्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट ये तो आप सभी जने जानते हो गे. इसमें आपकी इंटेलिजेंस और आपकी नॉलेज को चेक किया जाता है उसी के साथ साथ आपकी नुमेरिकल रीजनिंग कितनी अच्छी है वर्बल रीजनिंग कितनी अच्छी है स्पीड कैसी हैसी कैसी है उसी के साथ साथ बाकी सारी एबिलिटीज चेक होती हैं, सो so, यहां पर हम बोल सकते हैं आपकी इंटेलिजेंस और नॉलेज को लेके मेनली चेकिंग करवाई जाती है